आगे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टे, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? तो चलो भाई, चालू चालू चालू, लेट द गेम बिगिन। तो कल आपके इस नन्हे से दिमाग में बहुत सारा भारी भरकम मटेरियल हमने डाल दिया, मटेरियल कॉस्टिंग हमने डाल दिया, तो क्यों ना उसको आज पहले रिवाइज कर लें, ताकि आपका ये नन्ना सा छोटू सा दिमाग पहले उस चीज को समझ ले, एंड फिर यस डेफिनेटली कहानी को अपन आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। व्हाट्स अप पब्लिक, क्या बोलता है? ऑल सेट फॉर द सेशन? चलो तो फटाफट आ जाओ, पहले अपन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और फिर आ जाना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, तो वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। बट उसके पहले कुछ फॉर्मूलाज डिराइव, ये तुमको क्या किस चीज में मजा आता है, फॉर्मूला डिराइव करने में मजा आता है तुम्हारे को, या तुम्हारे को फॉर्मूला लर्न करने में मजा आता है, किस चीज में तुम्हारे को ज्यादा मजा आता है, बोलो ना। डिराइव करने में, जय बात, मुझे भी डिराइव करवाने में मजा आता है। तो खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप और मैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एक ऐतिहासिक फॉर्मूला डिराइव, जो अपन लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिराइव कर चुके हैं, बट अब उसको रियल सेंस में आज मैं डिराइव करवाने वाला हूं, और मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, मतलब वो डेरिवेशन देख के लगेगा कि हाँ एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। एंड वो भी मतलब एकदम हार्ड कोर जो फॉर्मूलाज है ना, वो जब आप डिराइव करोगे ना तो एक मजा ही कुछ और होगा। बट उसके पहले डेफिनेटली एक रिवीजन तो बनता है, तो अरे शुभम तेरी क्या, सबकी आप सबकी विशेस, बेस्ट विशेस सर आंखों पर है यार हमारे लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो अभी अगर लाइव बैच में होते अपन तो आज मस्त कुछ यार बार बार चलते, केक कटिंग करते, है कि नहीं? बट अब फेस टू फेस तो है नहीं अपन, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? चलो खैर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। सो कल स्टार्ट किया था अपन लोग ने मटेरियल एंड बेसिक्स समझने की कोशिश की थी, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था कल, मैं पूरा आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड फिर जहां पे कल एंड किया था आज वहां से पिकअप करके एक ऐतिहासिक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं मैं, जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। जब भी मटीरियल कॉस्टिंग करोगे, आज जो फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा ना, दैट विल ऑलवेज बी यूज्ड। Now, what exactly is that? So, अपन कर रहे हैं मटीरियल कॉस्टिंग। मटीरियल कॉस्टिंग, मटीरियल क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश की। तो कॉस्ट शीट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, दोनों के लिए तीन मटीरियल, तीन एलिमेंट्स कॉमन है, एक है मटीरियल, एक है लेबर और एक है एक्सपेंसेस। उसी में से आज फोकस अपना होने वाला है पहले एलिमेंट के ऊपर, एंड दैट इज मटीरियल, मटीरियल, मटीरियल। In simple words, it is nothing but an input used to produce the output. जैसे pen बनाने के लिए plastic, shirt बनाने के लिए cotton, car बनाने के लिए steel. So ये ऊपर के जो भी चीज है वो output है, but वो बनते किससे हैं? Input. Input क्या है अपने लिए? यहाँ पे for now it is raw material. Tangible items used or consumed in the process of मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। टैंजिबल है, दिख रहा है, ये देखो ये शर्ट में कॉटन पता है मुझे दिख रहा है, ये घड़ी में प्लास्टिक दिख रहा है मुझे,
सो दैट बेसिकली इज योर मटेरियल, ठीक है। सो वो अपन लोग ने फिर पूरा डिटेल में एकदम समझने की कोशिश की क्या होता है एग्जैक्टली मटेरियल एंड एवरीथिंग। क्या तुम लोगों को वो पूरा प्रोसेस याद है क्या, कि सबसे पहले आप क्या मंगवाते हो? सबसे पहले बोलो, अच्छा सबसे पहले बताओ कि मटेरियल को मैनेज करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है, चलो बताओ। बोलो बोलो, टेल टेल मेरे को बताओ कि मटेरियल को मैनेज करने के लिए करेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट होता है? करेक्ट, इट इज द परचेजिंग डिपार्टमेंट। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम ऑर्डरिंग या फ्रॉम कोटेशन टू द सप्लायर। तो सबसे पहला काम होता है इनका सप्लायर के पास से कोटेशन मंगाना, एंड फिर बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक। जस्ट अ मोमेंट, ओके, ये रहा, यस। ओके, सो फर्स्ट थिंग टू बी डन, कोटेशन मंगाओ सप्लायर के पास से। चूज सप्लायर विद बेस्ट क्वालिटी एंड लो कॉस्ट। तो जो भी सप्लायर आपको बेस्ट क्वालिटी कॉटन देगा, रॉ मटेरियल देगा, जो लो कॉस्ट में आपके साथ काम करेगा, बस उसी को चूज करना है, राइट? जैसे ही चूज कर लिया, परचेज ऑर्डर, उसको बोल दो भाई ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ही आपने ऑर्डर कर दिया, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, अब उसको इंस्पेक्ट कर लो। इंस्पेक्शन करके उसको अगर अच्छा नहीं है कुछ, उसमें रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दिया समझो आपने, जो बच गया वो अपने पास स्टोर कर दो, स्टोरेज, स्टोर्स डिपार्टमेंट, राइट? फिर बाद में आता है इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्शन टीम, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। सो अब देखो, जो स्टोर किया हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, बोलेगा कि चलो भाई मेरे को गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, स्टॉक ऑडिट होता है, एंड फाइनली स्टॉक ऑडिट अगर सब सही हो गया तो इनवॉइसिंग एंड पेमेंट कर सकते हैं, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ फैक्ट्री। एंड इसी में सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट जो है अपने को देखना है, देखो मटेरियल परचेज फ्लो में तो काफी सारी चीजें है, जैसे राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट सोर्स, राइट प्राइस, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मटेरियल परचेज फ्लो। बट फिलहाल अपना फोकस क्या है, क्या राइट क्वांटिटी है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज एवरी टाइम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो परचेज डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है? राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट राइट टाइम फ्रॉम राइट सोर्स एट राइट प्राइस। चलो, सो ज्यादा मंगा लिया तो भी प्रॉब्लम, कम मंगाया तो भी प्रॉब्लम। कम मंगाया तो क्या प्रॉब्लम है? बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है। बहुत ज्यादा मंगा लिया तो उसको स्टोर करने का कॉस्ट, मेरा जो वर्किंग कैपिटल है ब्लॉक हो जाएगा। वो जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, वो जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मेरे लिए कॉस्ट। सो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ना हो, इसके लिए वी विल ट्राई टू मेंटेन स्टॉक्स इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। चल, एंड बस इसी के लिए याद रखना, परचेजिंग डिपार्टमेंट से कनेक्टेड तीन मेजर कॉस्ट होते हैं। मेरे को बताओ कौन से कॉस्ट, तीन मेजर कॉस्ट कौन से होते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट के? एवरीबॉडी बोलो बोलो, टेल टेल, परचेजिंग डिपार्टमेंट के तीन मेजर कॉस्ट कौन से होते हैं? एवरीबॉडी हैज टू आंसर। परचेजिंग डिपार्टमेंट के तीन मेजर कॉस्ट कौन से होते हैं? करेक्ट, पहला परचेज कॉस्ट, पहला तो सबसे पहला तो परचेज कॉस्ट, ओके। दूसरा करेक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड तीसरा कैरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट। कहना इसे ये तीन मेजर कॉस्ट होते हैं फॉर एनी डिपार्टमेंट, एनी परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? परचेज कॉस्ट मतलब ये तो जो रियल कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, सो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट, ये तो वही है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितनी बार आप ऑर्डर करोगे
वो कॉस्ट लगता जाएगा, जितनी बार आप ऑर्डर करोगे वो कॉस्ट लगता जाएगा। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग और परचेज ऑफ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ले लो, लोडिंग अनलोडिंग, परचेज ऑर्डर कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, सारे के सारे इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड देन देयर इज कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट फॉर होल्डिंग इन्वेंट्रीज, होल्डिंग नहीं होल्डिंग, होल्डिंग होल्डिंग, इसको चेंज कर देता हूं मैं स्पेलिंग, कॉस्ट फॉर होल्डिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, सो अगर मेरे पास ज्यादा इन्वेंट्रीज आ गई तो उसको रखना पड़ेगा संभाल के, तो वो जो संभाल के रखना पड़ेगा उसका स्टोरेज कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, जो मेरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा उससे रिलेटेड इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंश्योर करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस कॉस्ट, सारा का सारा इज अ पार्ट ऑफ दिस। क्या याद आ रहा है सब लोग को एवरीवन? और फिर मैंने बनाया था एक बहुत ही सुपर्ब वाला टेबल, एक एग्जाम्पल। सो यहां पे देखो, एक तो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग, सो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल, राइट, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, कैरिंग कॉस्ट, बोलो कैरिंग कॉस्ट क्या है, होल्डिंग इन्वेंट्रीज का कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, चलो सो रॉ मटेरियल का परचेज ले लो, कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग ले लो, इन्वेंट्री होल्डिंग का कॉस्ट ले लो, जो नाम देना है दे दो, ये आपके कॉस्ट्स आ जाएंगे यहां पे। एंड वंस दीज थ्री कॉस्ट्स आर एडेड, आपका बन जाता है टोटल कॉस्ट। बट एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, इन दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। देखो ये तो जो लगना है वो लगना ही है, परचेज कॉस्ट तो जो लगना है वो लगना ही है, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट। एंड वो समझने के लिए अपन ने लिया था कल एक मस्त वाला एग्जाम्पल। क्या वो एग्जाम्पल याद है आपको, जहां पे मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया था, कैरिंग कॉस्ट भी दिया था एंड परचेज कॉस्ट भी दिया था, एंड वहां से मुझे पता चला दैट एट 400 केजीज मेरा परफेक्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी 400 केजीज ही है। इस 400 केजीज पे अगर आप लोग ने नोट किया होगा तो अगर आप लोग ने नोट किया होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एंड दिस लेवल इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ करेक्ट, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पे ना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो ना मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो, ना मेरा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो, बल्कि एक ऑप्टिमम लेवल, एक बैलेंस्ड लेवल इज व्हाट इज कॉल्ड एज ईओक्यू, इज व्हाट इज कॉल्ड एज। समझ में आया इधर तक सब लोग को? सब कुछ समझ में आ गया था गाइस? बोलो बोलो, टेल टेल, राइट। सो ईओक्यू क्या है? ऑप्टिमम लेवल, ठीक है ना। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज दैट लेवल वेयर, कौन सा लेवल है ये बेटा? इज दैट लेवल वेयर देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया सबको? बोलो बोलो, टेल टेल, ठीक है। ये जो बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस है ना, जो ईओक्यू लेकर आ रहा है,
दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है, डन. दिस इज द नंबर ऑफ क्वांटिटीज टू बी ऑर्डर्ड. सो ईओ क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल टू बी ऑर्डर्ड. ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल टू बी ऑर्डर्ड. समझ में आई बात? बोलो बोलो, टेल टेल. ठीक है, इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम. यू कैन से एट वन टाइम. तो अपन ने ईओ क्यू कैसे कैलकुलेट किया? अपन ने तो ईओ क्यू कैलकुलेट करने के लिए सारा इतना सारा अपन लोग ने तो पूरा मेहनत किया. तो आपको क्या लगता है, क्या हर बार मैं ऐसे इतना मेहनत करते जाऊंगा क्या? ऐसे क्या हर बार मैं ऐसे एक 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 बनाते जाऊंगा क्या? द आंसर इज नो. तो इसको भी फाइंड आउट करने का कुछ शॉर्टकट तरीका तो होना चाहिए. अब मैं आपको वो शॉर्टकट तरीका, विच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईओ क्यू, बताने वाला हूं. बट इसके दो तरीके हैं. एक मैं सीधा फॉर्मूला बता दू, दूसरा मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दू. आप मुझे बताओ क्या चाहिए. आपने पहले ही मुझे बोल दिया है दैट सर हमको तो फॉर्मूला का डेरिवेशन चाहिए. तो आओ अब ये फॉर्मूला डिराइव करता हूं. मुझे बताओ ईओ क्यू क्या लेवल है? ईओ क्यू क्या लेवल है? कैन आई से बैलेंस्ड लेवल है? किसका बैलेंस्ड लेवल है? किन दो कॉस्ट के बीच का बैलेंस्ड लेवल है? कैन आई से बैलेंस्ड लेवल व्हेन व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. भाई बैलेंस्ड लेवल है बट व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. अरे आगे ना, आप सबको बताना है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है. चलो आप मुझे ये देख के बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है. यहां पे देख के बता दो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ. कैन आई से नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. अरे बोलो यार, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हाँ कि ना. यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. अरे हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना. यस यस ओके. नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? कहना इसे इसका फॉर्मूला अपन लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जैसे अपने एग्जांपल में था 3200 डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर. क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर बराबर. सो यहां पे मैं लिख देता हूं उसको. सो टोटल क्या है भाई फॉर्मूला? टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड. देखो मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो अपन लोग ने किया हुआ है बस उसी को यूज कर रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है? टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. डिस्को खेलना है इसको. इनटू यही ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बराबर के नहीं? ठीक है, ये इज इक्वल टू. भाई ईओ क्यू ऐसा ले रहा है जहां पे ये इक्वल टू होगा. किसके साथ इक्वल टू होगा? कैरिंग कॉस्ट के साथ इक्वल टू होगा. आप मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट क्या है आपका? कैसे आया कैरिंग कॉस्ट? कहना इससे यहां पे देखो कैरिंग कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया. ये देखो ये है कि आपका कैरिंग कॉस्ट 12,800 है पहले वाले का कैरिंग कॉस्ट. कैसे कैलकुलेट किया? कहना इससे 1600 इंटू 8. 8 क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ठीक है, 1600 क्या है? कहना इससे एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक कैसे आया? एवरेज स्टॉक कैसे आया आपका? क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वंस डिवाइड बाय टू.
मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, आपका आपका एक सेकंड एक सेकंड, स्क्रीन स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है। ओके हाँ, आपका एवरेज स्टॉक कैसे आया आप मुझे बताओ, कैसे किया अपन लोग ने एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट? एनीबडी एवरीबडी, 3200 डिवाइड बाय टू। अच्छा 3200 क्या है, उसके नीचे वाला देख लो। चलो 800 डिवाइड बाय टू, 400 डिवाइड बाय टू, 800 डिवाइड बाय टू, 400 डिवाइड बाय टू, तो ये सब क्या है? कैन आई से नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस डिवाइड बाय टू। सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड डिवाइड बाय टू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अरे बोलो यार, समझेगी नहीं, समझेगी नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। डन गाइस, इधर तक सब लोग साथ में हो? ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज इधर तक कोई छूटा है क्या? देखो फॉर्मूला डिराइव करना बड़ी बात होती है, ठीक है, इतना इजी नहीं होता है, तो थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब जाके फॉर्मूला डिराइव होता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया? अरे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्वेश्चन में दिया था ना इधर, ये देख कैरिंग कॉस्ट कितना है, 8 पर यूनिट पर एनम पुप्पा, समझा क्या? ठीक है अब देखो इधर, कैन आई से ये फॉर्मूला बच गया मेरे पास। अच्छा टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्या है ये? कैन आई से ये मैं बोल सकता हूं मेरा एनुअल डिमांड है? बोलो बोलो टेल टेल, कैन आई से ये मेरा एनुअल डिमांड है? ये जो मेरा है, ये मेरा एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड, इसको मैं अब से ए बोलूंगा भाई। 3000 कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारा ए ही आना, 3000 टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है ये। ये देखो ये फॉर्मूला देखो इधर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर, 3200 डिवाइड बाय 3200, 3200 डिवाइड बाय 1600, 3200 डिवाइड बाय 800, मतलब जो भी हो ऊपर का तो तुम्हारा एनुअल डिमांड ही रहेगा। तो ये मेरा ए आ गया, डिवाइड बाय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वंस, इसको कैन आई से मैं ओ क्यू लिख देता हूं, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, ऑर्डर्ड क्वांटिटी करके ओ क्यू, ठीक है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं ओ सी लिख देता हूं, ठीक है। कैन आई से ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये दोनों सेम ही है, तो ये इसको वापस से ओ क्यू लिख दूंगा, अपॉन टू इंटू सी सी पी यू पी ए। अपन क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पता है? अपन ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, विच इज नथिंग बट ओ क्यू। ओ क्यू वही बताता है ना, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वंस, और वही तो अपने को पता करना है। ईओ क्यू वही तो बताता है, देखो वही तो पता करना है कि भाई कितना क्वांटिटी करे एट वंस। ईओ क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वंस। अरे हाँ कि ना, सो ओ क्यू मेरा वही है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वंस। अब इसको सॉल्व करो, ये ओ क्यू को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले आओ, या उल्टा कर दो, ये ओ क्यू को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ। चलो सो मैथमेटिक्स कैसे करोगे, एनुअल डिमांड एडी इनटू ओसी, ठीक है, ये जब इधर आएगा ना तो ये मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा, डिवाइड वाला उधर टू हो जाएगा, इधर सी सी पी यू पी ए इक्वल टू ओ क्यू इधर जाएगा, तो इनटू ओ क्यू, समझ रहे हो क्या तुम लोग? तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू एडी ये हो जाएगा तुम्हारा, देखना, टू इनटू एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू कितना ऑर्डर करना है इनटू कितना ऑर्डर करना है ओ क्यू स्क्वायर। कैन आई से अगर मैं इधर इसको रूट में ले आता हूं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, सो देयरफॉर ओ क्यू
ऑर्डर्ड क्वांटिटी या क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू एडी इंटू ओसी अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एंड इसी के साथ बनता है मेरा ये फॉर्मूला जिसको मैं बोलूंगा ई ओ क्यू। ये क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट अ लेवल वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एज ई ओ क्यू, विच हैज गिवन मी द फॉर्मूला 2 AD इंटू ओ सी अपॉन CC पर यूनिट पर एनम। एंड मेरे पास फॉर्मूला आ गया देयर फॉर ई ओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बस 2 मिनट देना, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आंसर गया है, 2 मिनट तुम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू एनुअल डिमांड 3200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 पर ऑर्डर है, देख लो जरा, डिवाइड बाय 8 कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसको सॉल्व करेंगे, टू वन जार टू फोर जार फोर वन जार फोर एट जार 800 इंटू टू 8 × 200 1600 का जब आप रूट करोगे यू विल गेट ई ओ क्यू इज इक्वल टू 400 यूनिट्स, जो ऑलरेडी मैं ला चुका हूं। अब मैं ये पूरा टेबल करके नहीं लाऊंगा, अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मुझे ई ओ क्यू मिल जाएगा। हेंस प्रूव। समझे क्या? पूरा वापस से बताऊंगा अभी, डोंट वरी, वापस से पूरा समझा दूंगा। मैं तो एक फ्लो में गया, मुझे पता है, आप में से 90-80% लोगों को नहीं समझा होगा, बट मैं अभी समझाऊंगा वापस से। क्या कोई है जिसको समझा? कोई है जिसको समझ में आया, जो बोला कि यस सर पूरा क्या डेरिवेशन है समझ में आ गया? है कोई? देखो, अरे ये देखो, ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्या है? ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड 3200 है। ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्या है? 3200 है। अब कितना भी नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करना हो, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड 3200 ही है। और ये 3200 तेरे क्वेश्चन में देख क्या है, इट इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर एनम। सो एनुअल डिमांड हुआ ना ये ऑफ रॉ मटेरियल। ए समझिगड़ू। तो ये है वो एनुअल डिमांड, जिनको एनुअल डिमांड नहीं समझ रहा है, अब 2 मिनट शांति से जब आप देखोगे ना, एक एक चीज समझ जाएगी और मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। क्या बात है, काफी सारे लोगों को समझ गया, वेरी नाइस यार। यशु, सुयश, शुभांकर, नानी, आर्या, दिया, ओ ग्रेट, प्रत्यांश, चंबिल, ओ ग्रेट 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 यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साक्षी जी समझा आपको? श्रेया ध्यान देना एक बार वापस। साहू समझा तेरे को? चलो वापस से पूरा का पूरा मैं बताता हूँ, वापस से पूरा का पूरा बताता हूँ। दिस इज हाउ अ फॉर्मूला इज डिराइव्ड। ओक्यू मतलब जो एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं। बिकॉज अपन लोग ने यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट करके सॉल्व किया है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट में ओक्यू तो ईओक्यू होता है ना। यहां पे अपन लोग को ये चीज तो समझ गई ना कि एट अ लेवल वेयर ईओ क्यू इज देयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। मतलब ओ क्यू विच इज योर क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इज इक्वल, आई मीन ईओ क्यू क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इज योर ईओ क्यू व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू योर कैरिंग कॉस्ट। और अपन लोग ने यहां पे वही तो बेस लेके किया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला डाला, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला डाला, बस इसमें ओ क्यू के जगह पे ईओ क्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट है यहाँ पे। समझे क्या? समझे क्या सर? वो 2 ओ क्यू कैसे आए? आओ अब मैं वापस से पूरा बताता हूँ, डोंट वरी, अब पूरा वापस से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वापस से पूरा डिराइव ही करते हैं, अब तुम्हारे लिए वापस से पूरा डिराइव करेगा तुम्हारा भाई, टेंशन मत लेना। अपन लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ईओ क्यू कब आता है? व्हेन? सबको आंसर देना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली जा रहा हूं, अभी तो मैं फ्लो में गया था,
अब मैं सबको ध्यान में रखते हुए स्लोली स्लोली जाऊंगा। ईओ क्यू कब आता है? वेन ये टेबल से अपने को पता चल गया ईओ क्यू कब आता है? वेन, वेरी नाइस, वेन, एवरीबॉडी आंसर, वेन, एवरीबॉडी आंसर, ईओ क्यू कब आता है? वेन, एवरीबॉडी आंसर, एवरीबॉडी आंसर, मैं जब तक सबका आंसर नहीं देखूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एवरीबॉडी हैज टू आंसर, ईओ क्यू कब आता है? वेन, एवरीबॉडी हैज टू आंसर, एवरीबॉडी हैज टू आंसर। चलो सो ईओ क्यू। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ईओ क्यू क्या होता है? ईओ क्यू क्या होता है? सो मैं इधर लिखता हूं, ईओ क्यू मीन्स ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, बराबर है। कब आता है ईओ क्यू? ईओ क्यू इज अचीव्ड व्हेन? ईओ क्यू इज अचीव्ड व्हेन? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ईओ क्यू क्या होता है? ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम। अच्छा ईओ क्यू इज अचीव्ड व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला इधर से देखिए, बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये इधर देखो, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक बार ऑर्डर करने का कितना खर्चा लग रहा है, एक बार ऑर्डर करने का कितना खर्चा लग रहा है? श्रेया एक बार ऑर्डर करने का कितना खर्चा लग रहा है? 200। तो अगर मैं 10 बार ऑर्डर करूंगा तो 2000 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है? चलो ये फॉर्मूलाज तक आ गए तुम लोग। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बता दो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर, परफेक्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज बराबर है। खाली इतना 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 अभी खाली इतना ही लिखा है मैंने,
खाली इसी के ऊपर मेरा फोकस्ड है, बराबर ठीक है। अब मेरे को बताओ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर एनम क्या है ये? क्या ना इसे इसको मैं लिख सकता हूं एनुअल डिमांड, विच इज नथिंग बट एडी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्यों लिख दो इसको ऑर्डरिंग क्वांटिटी, बराबर। अच्छा मुझे बताओ एक बात, जब मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होता है तो ये ओक्यू बेसिकली ईओक्यू ही होता है, ये ईओक्यू हर बार नहीं, बट अभी तो अपन लोग वही करके चल रहे दैट। अरे बोलो, ओक्यू की जगह मैं ईओक्यू लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये मैं उसी बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एट विच ओक्यू इज योर ईओक्यू, बराबर है। अच्छा इनटू 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 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू ये एवरेज स्टॉक। कैसे आया ये एवरेज स्टॉक, ये एवरेज स्टॉक कैसे आया? कैन आई से ईओ क्यू डिवाइड बाय टू, भाई जो भी ईओ क्यू है डिवाइड बाय टू, देखो ना अगर मेरा ये जो 400 डिवाइड बाय टू करके आया, ये देखो 400 डिवाइड बाय टू इंटू 8 तब जाके 1600 आया। सो ईओ क्यू डिवाइड बाय टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, आइडियली ओ क्यू बाय टू होना चाहिए, बराबर है साक्षी, बट बिकॉज यहां पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल है तो मैंने ईओ क्यू ले लिया। अब इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ईओ क्यू मिल जाएगा। आओ ये देखो, सो एडी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू टू अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू ईओ क्यू इंटू ईओ क्यू, ये ईओ क्यू इधर जाएगा, ये टू इधर, समझे? फाइनली देयर फॉर टू इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू ई ओ क्यू स्क्वेयर, पर अपने को स्क्वेयर नहीं खाली ईओ क्यू चाहिए, तो इसको जब रूट में डाल देंगे मिल जाएगा मेरे को ई ओ क्यू। ए समझे? बोलो बोलो, चल चल, समझ में आया क्या? हैंस प्रूव्ड। अब आई होप सबको समझ गया होगा, अब जिसको भी नहीं समझा मुझे बोलो तो मैं उसको वो पर्टिकुलर इशू सॉल्व करता हूं। देखो आइडियली तो आपको फॉर्मूला से ही लेना देना है, बट फिर भी मैंने क्या बोला, अपने को डेरिवेशन चाहिए तब मजा आता है ना काम करने में। श्रेया समझ में आया तेरे को? हाँ क्लियर क्लियर। चलो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूं, तुम लोग कॉपी कर सकते हो, 2 मिनट दूंगा मैं कॉपी करने के लिए, फटाफट कॉपी कर लो, जिसको भी इसमें डाउट आ रहा है मुझे पूछ लो, इफ नॉट अब अपन क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट, जैसे ही होते जाए डन लिखते जाना।
चल डन, जिसका भी नहीं हुआ है वो बाद में कॉपी कर लेना, आपके पास आएगा ये, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो आज एक ऐतिहासिक फॉर्मूला आप लोग ने डिराइव किया है, अगेन आई एम टेलिंग यू इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो क्या चीजें कैसे आ रही है, आगे जाके है ना बहुत हेल्पफुल होता है ये सब। और ये आदत बना लो अपनी, कोई भी चीज को जस्ट ऑन द फेस मत ले लो, उसके आगे पीछे का कारण समझो, क्यों है ये, क्या है ये, सो दैट विल मेक यू अ बेटर स्टूडेंट, राइट। चलो अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी है, बारी है, बारी है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन है एवरीबॉडी, ओपन दिस प्लीज, ओपन। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। कंजम्पशन ऑफ मटीरियल पर एनम, इसको अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसको अपनी सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे अपन, कैन आई से कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम पूरे साल का है, एनुअल डिमांड, एडी। भाई अपना फॉर्मूला याद है ना, लो तुम्हारे को यहां पे फॉर्मूला लिखवा देता हूं भाई, ईओक्यू इक्वल टू 2 AD इंटू OC ऑन CC पुपा, AD इज इक्वल टू एनुअल डिमांड। OC इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, सॉरी पर ऑर्डर, CC इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। पर यूनिट पर एनम, ठीक है। ओके एंड ईओ क्यू होता क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम। ईओक्यू मतलब नंबर ऑफ ऑप्टिमल यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड, चलो वैसे लिख देते हैं। ठीक है, डन। चलो अब आ जाओ,
कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। भाई वो सब ठीक है, पहले क्या है मेरा एडी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी, कॉस्ट पर केजी कैरिंग, ये कॉस्ट पर केजी है और इसमें बोला है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो कैन आई से वो अपन लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वील डू इट। चलो पहले लेट्स राइट डाउन गिवन इन्फो। चलो ए डी इज इक्वल टू एनुअल डिमांड 10,000 केजीज। ओके देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट फिफ्टी पर ऑर्डर। देन ये रहा कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज कॉस्ट, सो कॉस्ट पर केजी इनटू स्टोरेज कॉस्ट। इससे मुझे पता चलेगा कि एक यूनिट को स्टोर करने का कितना कॉस्ट लगता है, मतलब कैरिंग कॉस्ट। इससे मुझे मिलेगा कैरिंग कॉस्ट, बिकॉज ये स्टोरेज कॉस्ट पर एनम दिया है, ये पर यूनिट दिया है, तो पर यूनिट पर एनम इक्वल टू कितना है कॉस्ट पर केजी, 2 × 8% इक्वल टू 0.16 पर यूनिट पर एनम। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग करना मतलब भाई मेरे पास जितना भी क्वांटिटी आएगा रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो वो मेरा उसमें जो कैपिटल ब्लॉक होगा स्टोरेज और वो सब कितना है एक यूनिट के ऊपर 8%। बट मेरा कैपिटल कितना ब्लॉक होता है, 8% कैपिटल ब्लॉक होता है, सो 2 × 8%। आर वी क्लियर एवरीवन? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ईओक्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे 2 × एनुअल डिमांड × OC / कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2 × एनुअल डिमांड 10,000 × ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 / कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 0.16 इक्वल टू। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। ₹2,500 kgs। क्या है इसका इंटरप्रिटेशन, क्या है इसका इंटरप्रिटेशन, एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है टू एंश्योर मिनिमम कॉस्ट, ध्यान रखना टू एंश्योर मिनिमम कॉस्ट। ये देखो ध्यान रखो ये बात, कल जो आप लोगों को करवाया था, कल क्या करवाया था, ये वो लेवल है जहां पे ओवरऑल कॉस्ट लोएस्ट होता है, इस बात को मत भूलना। ईओक्यू इसलिए फाइंड करता है ताकि पता चले कि लोएस्ट कॉस्ट कितना होगा ये क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर करने पे। समझियो एवरीवन,
क्लियर गाइस, समझ रहे हैं? डन। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, देखो सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर। आओ 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 आओ, पब्लिक को डाउट आया यहाँ पे कि सर ये आपने क्या किया, सर ये आपने क्या किया, ये एक बार बता दो, बता दो, बता दो, मैं बताता हूं। देखो देखो सुनो, एक रॉ मटेरियल ऑर्डर किया तो एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 2 रुपया एक यूनिट का कॉस्ट, बराबर है। अब अगर मैंने ऐसे जितने भी यूनिट्स ऑर्डर किए उतना मेरा कैपिटल ब्लॉक होने वाला है, उतना मेरा कैपिटल ब्लॉक होने वाला है कि भाई अगर मैंने 100 यूनिट ऑर्डर किए तो 100 यूनिट का समझो 2 रुपया है, तो 200 रुपया मेरा ब्लॉक होने वाला है। वो अगर मेरा ब्लॉक होता है देन इन दैट केस अगर वो यहां पे नहीं मैं करता इन्वेस्ट तो कहीं और पे इन्वेस्ट कर लेता, अगर मैं कहीं और पे इन्वेस्ट कर लेता देन इन दैट केस मुझे कुछ पैसा मिल जाता, वो मेरा एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया जिसको अपन कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। सो एक यूनिट का 2 रुपया है, हर यूनिट पे 8% का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 0.16 पर यूनिट का मेरा कॉस्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट दिस सिग्निफाइज। तो 2 जो उसका कॉस्ट पर केजी है इनटू जो भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दिया होगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन द परचेज कॉस्ट। तो जो भी परचेज कॉस्ट है उतना मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है इनटू ऑब्वियसली जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट उसका परसेंटेज है उतना मेरा पैसा ब्लॉक होते जा रहा है, उतना मेरा पैसा ब्लॉक होते जा रहा है पैसा। तो एक यूनिट के ऊपर कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है? 0.16। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो चाहिए तो अपन लोग इधर लिख लेते हैं कहीं पे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज परचेज कॉस्ट पर रॉ मटेरियल इनटू इंटरेस्ट टैक्स स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसका सेकेंड पार्ट बाकी है बच्चों। ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। क्या बोले विवेक? विवेक पर यूनिट पे फाइंड करना है तेरे को यहां पे। देख तेरा फॉर्मूला क्या है यहां पे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर यूनिट तेरा कॉस्ट क्या है मल्टीप्लाई बाय बाद में ये परसेंटेज आएगा, तो पर यूनिट का कॉस्ट तेरे को निकालना है। हाँ, अब देखो एक बार में 2500 मंगाऊंगा, मेरे को टोटल 10,000 चाहिए। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना देना पड़ेगा, मेरे पास फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड विच इज माय एनुअल डिमांड अपॉन क्वांटिटी पर ऑर्डर। टोटल क्वांटिटी 10,000, क्वांटिटी पर ऑर्डर 2500 यूनिट्स, कैन आई से 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। डन। क्लियर एवरीवन?
डन, इधर तक सब लोग साथ में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिख के हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव। कंप्यूट ईओ क्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, स्टोर ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑब्सोलीट कॉस्ट, ये सारा पर एनम दे दिया है। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ अ न्यू प्राइस ऑफ ठीक है सॉरी, खाली फर्स्ट में आपको ईओ क्यू फाइंड करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं। स्टार्ट एवरीवन, कम ऑन, ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। टाइम अप गाइस, सबका आंसर राइट आना चाहिए। ऑब्सोलेसेंस रेट मतलब, अरे यार तुम लोग को बताया था ना, आ जाओ बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। ये देखो सब चीजें लिखवाई हुई है तुम्हारे को,
ये देखो ये डिफेक्ट हो जाता है कि क्या वो डिफेक्ट डिफेक्ट डिफेक्ट, हाँ आउटडेटेड, इसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस, आउट ऑफ ट्रेंड, दिखाया था ना, इसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। तो ये भी एक यू कैन से कैरिंग कॉस्ट के जैसा ही है, आउटडेटेड आउट ऑफ ट्रेंड, इधर चाहिए तो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ऑब्सोलेसेंस कम, चलो इसको आप फटाफट सॉल्व करेंगे पब्लिक। सो स्टार्ट करेंगे एनुअल डिमांड से, एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस 20, ऑर्डर कॉस्ट 16, ओसी, देन स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेसेंस रेट, स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑब्सोलेसेंस रेट, सब ऐड कर देंगे अपन। तो ऑब्सोलेसेंस याद रखना क्या है, आउटडेटेड, 2 प्लस 12 प्लस 6, ट्वेंटी%। ठीक है, चलो अब अपने को कैलकुलेट करना है ईओक्यू, रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड 5000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20 इंटू 20%, विच इज 4। बोलो बोलो चल चल क्या होता है आंसर। सो टू हंड्रेड यूनिट्स, यस डन। अच्छा उसके बाद देखो इमीडिएटली वो लोग ने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट बेसिकली फाइंड करना है आपको। सो व्हाट इज अ टोटल कॉस्ट फॉर अ परचेज डिपार्टमेंट, कैन आई से इट इज परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया? ओके, परचेज कॉस्ट में क्या आएगा, देखो कितने यूनिट्स है, 5000 यूनिट्स इनटू एक यूनिट का कितना है, 20 रुपया देगा। सो 5000 यूनिट्स एट द रेट 20 पर यूनिट, सो विच इज रुपीज 1 लाख। सही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू 200 यूनिट। तो एक बार में अपन 200 यूनिट मंगवा रहे भाई, एक बार में अपन 200 यूनिट मंगवा रहे, ठीक है, अपने को टोटल 5000 यूनिट्स चाहिए, अपने को टोटल 5000 यूनिट्स चाहिए। तो 5000 डिवाइड बाय 200, 25 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा और एक बार का कॉस्ट है 16। तो ये कितना आता है, 25 इंटू
400, और इट एंड कैरिंग कॉस्ट। अच्छा अब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, इट इज ईओ क्यू अपॉन टू एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो ईओ क्यू कितना है, 200 डिवाइड बाय टू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4। सो ये भी आएगा 400। टोटल कॉस्ट आपका हो जाता है 1,08,000। समझ में आया? अच्छा दो तीन फॉर्मूला इन शॉर्ट मेरे पास आ गए हैं। एक ईओ क्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अभी आप लोग मुझे बताओगे, एंड तीसरा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। बोलो जल्दी क्या क्या आएगा तीनों फॉर्मूला, मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊं उसके पहले मुझे चाहिए। चलो ईओ क्यू का फॉर्मूला तो 2AD इंटू OC अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल क्वांटिटी पर एनम डिवाइड बाय ईओ क्यू, एंड कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एंड योर एवरेज स्टॉक इज ईओ क्यू डिवाइड बाय टू। चलो क्लियर एवरीबॉडी। टोटल कॉस्ट मतलब परचेज, टोटल कॉस्ट क्या होता है, कल ही बताया था आपको, तीन भाई कल ही बताया था ना आपको, कल का फॉर्म आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा वापस से। तीन तरह के कॉस्ट होते हैं एज अ परचेज मैनेजर, देयर आर थ्री मेजर कॉस्ट, परचेज रिलेटेड, ऑर्डरिंग रिलेटेड, कैरिंग कॉस्ट। परचेज जितने में परचेज किया, परचेज कॉस्ट जितने में परचेज किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर करने का वैसे कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, एंड कैरिंग कॉस्ट उसको स्टोर करने का कॉस्ट। समझ में आया? डन गाइस, बोलो बोलो, टेल टेल यार। अब इसका सेकेंड पार्ट बाकी है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ अ न्यू प्राइस ऑफ ₹12.8 इज यूज्ड। न्यू प्राइस मतलब कैन आई से न्यू परचेज कॉस्ट। चलो पार्ट टू, न्यू परचेज कॉस्ट ₹12.8, द कैरिंग कॉस्ट विल चेंज
एज इट इज डिपेंडेंट ऑन परचेज कॉस्ट, देयरफॉर न्यू कैरिंग कॉस्ट विल बी 12.8 इंटू 20%। टू पॉइंट फाइव सिक्स। बस अब नया ईओ क्यू फाइंड आउट कर लो। टू इंटू 5,000 यूनिट्स था, इंटू 2.56 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट था 400। सिक्सटीन। कितना आता है? सो एज पर आर्या टू फिफ्टी यूनिट्स। डन। और इसमें भी टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। चलो टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट तो कुछ 12.8 इंटू 5,000 कितना होता है बोलो? 64,000। ओके, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 5,000 डिवाइड बाय 250, 20 बार करना पड़ेगा, इनटू 16, 320। कैरिंग कॉस्ट, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। थ्री ट्वेंटी विच इज 64,640। राइट। डन। क्लियर गाइस? हो गया कॉपी करके? चल आगे बढ़ेंगे। स्वप्निल का क्वेश्चन है सर, टोटल कॉस्ट फाइंड करते समय ओसी और सीसी सेम ही रहेगा क्या? हाँ, अगर भाई ये अगर दोनों ईओ क्यू पे है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तो सेम होता है ना ईओ क्यू पे, तो ये सेम रहेगा। सर हियर 200 यूनिट्स इन फर्स्ट केस इज आर एवरेज इन्वेंट्री। नहीं दिव्या, 200 यूनिट्स इन आर फर्स्ट केस इज ईओ क्यू, मतलब एक बार में कितना यूनिट्स क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है तेरे को पूरे साल में,
5000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, एक बार में कितने यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए, उसको कहते हैं ईओक्यू। ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जहां पे तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एवरेज रहेगा, बैलेंस रहेगा, ना एक ज्यादा ना एक कम, बैलेंस रहेगा। तो वो तुझे फाइंड करना है कि कितने यूनिट्स ऑर्डर करे कि तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहे, दैट गिव्स यू ईओक्यू। तो 200 यूनिट्स, तो एक बार में तू 200 यूनिट्स ऑर्डर कर, एक बार में तू 200 यूनिट्स ऑर्डर करेगी तो दैट बेसिकली इज योर ईओक्यू। अब वो जब तेरे हो यहां पे कैरिंग कॉस्ट फाइंड करना है तो फॉर्मूला आता है ईओक्यू अपॉन टू, जो भी स्टॉक आप एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, डिवाइड बाय टू, क्योंकि अपने को नहीं पता है कितने टाइम तक वो अपने पास रहेगा नहीं रहेगा। सो ईओक्यू डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो दिस 200 स्पेसिफाइज कितना यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करना है। समझा दिव्या एंड अदर्स? अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, अगेन गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स, रीड करते हैं, आप लोग रीड करेंगे एंड देन अपन देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 5 मिनट दूं, ट्राई करोगे? ओके सर, हमारा आंसर करेक्ट आया, इसको क्रॉस, इसको क्वेश्चन से क्रॉस करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, है ना, अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आ रहा है इसका मतलब आपने ईओक्यू पे निकाला है, बराबर है वो ईओक्यू। अगर आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आ रहा है मतलब आपका ईओक्यू सही है। चलो स्टार्ट क्वेश्चन 16, गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम आप। चलो 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 चालू 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 टाइम आप। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। चलो अब लेवल बढ़ते जाएगा, अपने भी दिमाग का लेवल बढ़ाते जाइएगा। कब कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज्ड एट ₹60 पर केजी। तो ये क्या दिया है, ये 60 पर केजी क्या दिया है, कैन आई से परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट पर केजी। ₹60। ओके उसके बाद कंपनी इंकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 360 प्लस फ्रेट एट ₹390 पर ऑर्डर। ये क्या है, हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट पर ऑर्डर। सो बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट है। हैंडलिंग प्लस फ्रेट। कितना, 360 प्लस 390। ठीक है नेक्स्ट। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी पर मंथ। हो ध्यान रखना ये पर मंथ दिया है, अपने को हमेशा पर एनम चाहिए होता है। ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब कैरिंग कॉस्ट पर मंथ होता है या पर एनम, पर यूनिट पर एनम। तो याद रखना ये पर मंथ ना चलवे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू पर एनम। आगे बढ़ते हैं। सो कैरिंग कॉस्ट ₹0.5 पर केजी पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इक्वल टू ₹6 पर केजी। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹9 पर केजी पर एनम। इन एडिशन, इसके एडिशन में कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 9 केजी, 9 पर केजी पर एनम। तो बोलो इसमें क्या आएगा। चलो तो ये भी लिख देते हैं अपन लोग। ये देखो अब कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई से मेरा जो पैसा ब्लॉक हो रहा है, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल ब्लॉक, कल वर्ड यूज किया था कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। कितना क्या खर्चा रहा है उसका, 9 पर केजी पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट, कैपिटल ब्लॉक होने की वजह से इंटरेस्ट। कितना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कितना, ₹9 पर केजी पर एनम, पर केजी पर एनम। सो कैरिंग कॉस्ट ₹15 पर केजी पर एनम। ठीक है नेक्स्ट।
द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 लाख यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ये सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बता रहा हूं मैं आपको। 1 लाख, सॉरी कितना, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स और उसमें साथ में देखो क्या लिखा है, 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब सुनो, मालूम है जो अपना एनुअल डिमांड होता है, क्या ये मेरा एनुअल डिमांड है क्या? द आंसर इज नो गाइस, ये एनुअल प्रोडक्शन है, वो एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल का होता है, समझे के नहीं? हाँ, ये 1 kg रॉ मटेरियल में 2.5 यूनिट्स का प्रोडक्शन, तो अगर आपका टोटल 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना रॉ मटेरियल, अरे बोलो बोलो कितना रॉ मटेरियल, करेक्ट, इट विल बी 40,000 रॉ मटेरियल। और इसका एक नोट लिखना पड़ेगा भाई, 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑफ फिनिश गुड्स, इज ऑफ फिनिश गुड्स फॉर ईओक्यू वी नीड एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, वी नीड एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, समझे? डन। चलो, आई थिंक अब सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने पास ईओक्यू के लिए। सो अब अपन बोल सकते हैं, देयरफॉर ईओक्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू टू इंटू एनुअल डिमांड कितना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, 15, KGs इक्वल टू 2,000 KGs। डन। आ रही है समझ में? आ रही है? डन। अब पिक्चर बाकी है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, अब सेकेंड पार्ट ध्यान से। एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या? हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड,
सो सेकेंड पार्ट पे आ रहे अपन। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। देखो सुनो, टोटल कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए? चलो अभी अपने को फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है? ओके, अब बताओ टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है? हाँ ₹40,000। फिर ईओ क्यू कितना आया है? 2,000 kgs। तो अब सुनो, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा आपको? टोटल 40,000 चाहिए। एक बार में 2,000 ऑर्डर कर रहे हो तो कैन आई से 20 ऑर्डर्स, 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 40,000 रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2,000 रॉ मटेरियल इक्वल टू 20 ऑर्डर्स। 20 ऑर्डर्स आपको करना पड़ेगा। साल में 20 ऑर्डर करना है तो कितने फ्रीक्वेंसी पे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। इसका मतलब भाई टोटल पूरे साल में 360 डेज है, आपको 20 बार ऑर्डर करना है तो हर ऑर्डर कितने दिन में जाना चाहिए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स मीनिंग इफ इन अ ईयर ऑफ 360 डेज ट्वेंटी टाइम्स ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड सो इन हाउ मेनी डेज शुड अ ऑर्डर बी प्लेस्ड दैट इज व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर दैट इज 360 डेज में 20 टाइम्स ऑर्डर करने वाले हैं तो एक बार में कितने फ्रीक्वेंसी पे आएगा? सो इट विल बी 360 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 18 डेज। समझ में आया? अब इसको अगर फॉर्मूला के टर्म्स में डालना है तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 360 डेज अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये 20 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। ए समझ गए?
दैट इज एवरी 18 days एन ऑर्डर ऑफ 2000 kgs शुड बी गिवन। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, समझे? क्लियर? गाइस थ्री सिक्सटी फाइव डेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो छोड़ो, पहले क्या समझा वो समझे क्या, लिखो फटाफट। चलो लिखो लिखो, और डाउट आएगा तो पूछो पूछो।
डन। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी हो गया भाई, इजी नहीं था सेकेंड पार्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, नया चीज सीखने को मिला अपने को। ये सब तुम्हारे स्टूडेंट नोट्स में जा रहा है कि नहीं? ओ भाई भूल ना जाना, सेकेंड चैप्टर है तो स्टूडेंट नोट भूल गए, ऐसा कैसे चलेगा दीदी। चलो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन प्राइस ऑफ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड। इसका मतलब क्या, कोई मुझे बताओ, कोई इसका मतलब बता सकता है? अब वो लोग बोल रहे हैं ईओक्यू को भूल जाओ, ईओक्यू को लेके खड्डे में डाल दो, खड्डे में डाल दो ईओक्यू को। हमारे को क्वार्टरली मंगाना है, हमारे को ऑर्डर्स क्वार्टरली देना है, मतलब 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, ऐसे 18 18 18 18 दिन में नहीं देना है, 18 18 18 18 दिन में नहीं देना है, हमारे को क्वार्टरली देना है। देन इन दैट केस कितने यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे और उसकी वजह से आपका कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। देखो ईओक्यू इज अ लेवल जहां पे कॉस्ट ऑप्टिमम होता है, मतलब लोएस्ट। अगर आप ईओक्यू के ज्यादा या कम ऑर्डर करोगे ना, तो योर कॉस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। वही तो अपने को सिखाया उसने, ईओक्यू ने। तो अब यहां पे मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, अब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मुझे नहीं चलेगा, मुझे कॉस्ट कम चाहिए। सो कहीं ना कहीं अगर मुझे ये ओवरऑल कॉस्ट कम करना है, ईओक्यू जितना लाना है, तो किसी ना किसी कॉस्ट के एलिमेंट को कम करना पड़ेगा। तो वो लोग बोल रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम कर देना, वो सब बात का बात है। पहले आओ, अगर मैं क्वार्टरली ऑर्डर करता हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होता है, और ईओक्यू में ऑर्डर करता हूं तो टोटल कॉस्ट कितना होता है, आओ पहले वो देखते हैं। आओ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोला है? ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। That is every 3 months. Every 3 months. So therefore, 40,000 annual demand. Order to be done every 3 months is 4 times in a year. Therefore, total quantity to be ordered फोर्टी थाउजेंड रॉ मटेरियल। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 4 times, देयरफॉर नंबर ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड इन एवरी ऑर्डर इक्वल टू 10,000 रॉ मटेरियल पर क्वार्टर। समझ में आया? क्लियर?
समझ में आया इतना? 40,000 टोटल करना है क्वार्टरली, साल में 4 बार। एक बार में कितना ऑर्डर करोगे आप लोग? 10,000 रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो अब अगर ऐसा करते हैं तो आपका कॉस्ट क्या आएगा? ईओक्यू से तो ज्यादा ही आएगा, बट कितना आएगा आओ देखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। इन बोथ सिनारियोज ईओक्यू क्वार्टरली। देखो, कहना इसे परचेस कॉस्ट तो ज्यों का त्यों ही रहने वाला है। तो भाई आपको 40,000 यूनिट चाहिए, एक का 60 है, तो मतलब टोटल 60,000 यूनिट्स आपको मंगाना ही है। टोटल 40,000 यूनिट्स मंगाना ही है आपको। क्वार्टरली मंगाओ, ईओक्यू मंगाओ, पूरे साल में 40,000 तो मंगाना ही है, एट द रेट 60 पर यूनिट। सो तो कितना होता है? ट्वेंटी 4 लाख, राइट? तो 24 लाख यहां भी होना है, 24 लाख यहां भी होना है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेकेंड इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। सेकेंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ईओक्यू में नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा है तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, बट कैरिंग कॉस्ट उसका कम होगा। देखो भाई, यहां पे अपने को कितनी बार ऑर्डर करना पड़ रहा है? कितनी बार? 20 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 टाइम्स, सो 20 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 650, 650 या 750? 750 पर ऑर्डर। सो 750 इंटू 20 कितना होता है? 15,000। बट इधर खाली 4 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, इंटू 750 पर ऑर्डर, इट इज ओनली ₹3,000। श्रेया ने पूछा 60 कहां से आया? श्रेया जी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके लिए देखो, अगर आप लोग नोट करोगे तो मैं पहले कभी भी क्वेश्चन में बनाता हूं मेरी समरी। ये समरी में सारी चीजें जो क्वेश्चन में है ना, वो मेरी अवेलेबल होती है। आज से आप लोग भी ये ऑर्डर डाल लीजिए, एक क्वेश्चन का समरी बनाने का, ऑलवेज गुड, है ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं ना। अब नेक्स्ट कॉस्ट है मेरा कैरिंग कॉस्ट। विच इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना था? 2,000 डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आ रहा है अपना? 15। कितना? 15। देखो देखो, जाओ जाओ स्टार्टिंग पे जाओ, समरी सब बनाया है आपके लिए, राइट? बट इंटू 15 तो ये आता है आपका 15,000। देखो, ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट और
ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, बट द गेम चेंजर इज दिस, द गेम चेंजर इज हियर। द गेम चेंजर इज हियर, एंड व्हाट इज दिस गेम चेंजर? क्वार्टरली के केस में आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज 10,000, याद रखना, डिवाइड बाय 2 × 15, ठीक है? ये OQ होता है बेसिकली, ठीक है? सो 10,000 डिवाइड बाय 2 × 15 इज 75,000। समझ में आया? अब आ जाता है मेरा टोटल कॉस्ट। सो इधर मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है 24,30,000, एंड यहां पे आता है 24,78,000। तो 48,000 मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है इन केस ऑफ क्वार्टरली, समझे क्या? मुझे 48,000 का कम खर्चा करवाना है ताकि मेरा मैच हो जाए ईओक्यू के साथ कॉस्ट। तो वो मेरे को कॉस्ट कम करने के लिए कहां पे स्कोप है? तो मैं मेरे सप्लायर को बोलूंगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम करो। तो वो पूछेगा कितना कम करूं? तो मैं उसको बोलूंगा कि सुनो सर, मेरे को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ रहा है इन क्वार्टरली ऑर्डरिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट इन क्वार्टरली ऑर्डरिंग कितना है? कैन आई से ₹48,000? कैसे आया? 24 ₹24.78 माइनस 24.30, सो कैन आई से ₹48,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट है इन क्वार्टरली ऑर्डरिंग? अरे बोलो। हाँ यस 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 सर, यस सर। सो ये मैं बोलूंगा कि सर ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको रिड्यूस करना है, तो 48,000 रुपीज को रिड्यूस करना है विद 40,000 यूनिट्स जो मेरे पास रॉ मटेरियल के हैं। सो कैन आई से ₹1.2 पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट रिड्यूस करना होगा। समझ में आया एवरीबॉडी? फोर्टी एट थाउजेंड है, कम करना है। 40,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है, तो एक यूनिट पे 1.2 में अगर कम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो दैट इज द डिस्काउंट ऑफ ₹48,000 इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट ऑफ 40,000 रॉ मटेरियल। देयरफॉर न्यू परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू 60, बट उसमें से 1.2 का डिस्काउंट चाहिए। अगर ये 58.8 पर केजी कर दे तो अपने को क्वार्टरली जम जाएगा। तो मतलब कितना डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए? सो कैन आई से वी नीड अ डिस्काउंट ऑफ 1.2/60 × 100 इक्वल टू 2% डिस्काउंट। ए समझ हाँ, अपन अपने सप्लायर को बोलेंगे भाई क्वार्टरली अगर मैं ऑर्डर करता हूं तो मुझे 1.2 पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल का डिस्काउंट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। समझ में आया क्या गाइस तुम लोग को?
बहुत बहुत तगड़ी चीज है ये। आराम से टेक डीप ब्रेथ्स। सर ये सम शॉर्ट में समराइज करो ना, श्योर करता हूं। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपने को क्वेश्चन दिया, करते गए अपन कहां कहां पे। मेरे को मैं बोलता हूं तुम लोग को पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दिया है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैरिंग कॉस्ट, याद रखने का, इज अ पार्ट ऑफ योर कैरिंग कॉस्ट। दूसरा एनुअल प्रोडक्शन दिया है, अपन लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, जो अपना एनुअल डिमांड है वो रॉ मटेरियल का डिमांड है। किसका डिमांड है? वो रॉ मटेरियल का डिमांड है। चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख सकते हैं अपन लोग, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। श्रेया बोले इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समझा क्या वो इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट है वो बाद की बात है। अब देखो इधर एनुअल प्रोडक्शन था 1 लाख का, और बोला 1 किलो रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, तो अगर 1 लाख का प्रोडक्शन करना है तो आपको 40,000 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये कैलकुलेट किया, मेरे पास ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए सब चीज रेडी हो गई, मैं ईओक्यू कैलकुलेट कर पाया। मैंने ईओ क्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर मुझे पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, मतलब कितने कितने दिन में ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि भाई देखो टोटल मेरे को 2,000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करना है, टोटल 40,000 यूनिट्स ऑर्डर करना है, मतलब कहना इसे 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। साल में अगर 20 टाइम्स ऑर्डर करना है तो कहना इसे एवरी 18 डेज ऑर्डर करना पड़ेगा पब्लिक, बराबर है सर, तभी हो पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स इससे मुझे समझ में आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स इससे मुझे समझ में आया। गॉट इट गाइस? फिर बोला कि क्वार्टरली अगर ऑर्डर करते हैं तो क्वार्टरली ऑर्डर करते हैं मतलब हर बार में 10,000 यूनिट, नंबर ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड इन एवरी ऑर्डर 10,000 रॉ मटेरियल पर क्वार्टर, बराबर है। सो अगर मैं हर बार में 10,000 करूंगा तो 4 बार ही ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल बी 750, वो तो दिया हुआ ही है, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जैसे अपन लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे, तो उससे मुझे पता चलता है कि 48,000 ज्यादा हो रहा है। बट ऑब्वियस है, देखो अगर रॉ ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर नहीं कर रहे हो आप, या तो उससे कम या तो उससे ज्यादा, जो करोगे कॉस्ट आपका ज्यादा ही आएगा। वो लोग वही पूछ रहे हैं कि अगर ये कॉस्ट को मेरे को ऑफसेट करना है, ये 48,000 के एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऑफसेट करना है, तो कितना रॉ मटेरियल पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो डिस्काउंट देना पड़ेगा तो ये कॉस्ट ऑफसेट होगा। तो मैं बोला यार 48,000 का कॉस्ट है, 40,000 रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक रॉ मटेरियल पे 1.2 किया डिवाइड करके तो मेरा काम हो जाएगा। पहले 60 का कॉस्ट था, अब मैं बोल रहा हूँ 1.2 का डिस्काउंट दे दो, तो 1.2 के ऊपर आई मीन 60 के ऊपर 1.2 का डिस्काउंट, मतलब 2% का मैं डिस्काउंट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं क्वार्टरली पे शिफ्ट होने को भी रेडी हूं। क्या अब आपको सब चीज समझ में आई? हाँ 360 के जगह 365 ले लेना चलेगा यार, तुम लोग छोटी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, बड़ी बातों पे ध्यान दो यार। सब्सटेंस ओवर फॉर्म लॉ में पढ़ के आए हो कि नहीं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब बड़ी चीजों पे ध्यान दो, चिल्लर पिल्लर। हाँ भाई 365 के जगह 360 ले लेना यार, 360 के जगह 365 ले लेना। मेन बाकी सब चीजें समझ में आई कि नहीं वो बोलो यार। यहाँ पे 360 इसीलिए लिया है, क्योंकि मेरा वो 20 के साथ एडजस्ट हो रहा है। एवरीबॉडी अभी क्लियर बोलो? कच्चा है?
चलो डन। एंड अब आ रहे हैं अपन लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अल्फा 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 अल्फा। अगेन गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स, रीड द क्वेश्चन, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तुम लोग थोड़ा हाथ पैर ट्राई करो। कम ऑन स्टार्ट। टाइम स्टार्ट। चलो चालू चालू चालू। रीड किया सब लोग ने? देखो गाइस, जब मैं रीड करने का टाइम दे रहा हूं ना, तो इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप आराम करो। मैं वो टाइम दे रहा हूं आपको कि आप पढ़ोगे एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को, खुद से थोड़ा स्टार्ट करोगे, खुद से थोड़ा समरी नोट बनाना चालू करोगे। कर रहे हो कि नहीं वो सब? कम ऑन यार। कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ स्पेशल कंपोनेंट अल्फा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर टू, ओके, एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा। सो रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा, मतलब वो रॉ मटेरियल ही है। सो चलो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करते हैं। एनुअल डिमांड कितना है? 8,000 यूनिट्स। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट? टू हंड्रेड पर ऑर्डर। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा 400, ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, कैन आई से परचेज कॉस्ट? 400। ओके, फिर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम 20%,
परचेज कॉस्ट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। सो परचेज कॉस्ट कितना है 400 इनटू कैरिंग कॉस्ट 20%। सो ये आता है ₹80 पर यूनिट पर एनम। कोई अब मुझे बोलेगा चलो सर ईओ क्यू कैलकुलेट करके बताओगे, मैं बोलूंगा डेफिनेटली, पहले मैं उसको फॉर्मूला दे दूंगा। ठीक फिर मैं उसको बोलूंगा चलो ईओ क्यू कैलकुलेट करते हैं, 2 × एनुअल डिमांड 8,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 80। बोलो कितना आता है ये। करेक्ट, रूट ऑफ 40,000 टू 200 क्वांटिटी। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल, ये तो हम समझ गए सर, ये तो करना आता है। सेकेंड बहुत अच्छा पॉइंट है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%, बट एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4,000। मेरा ऑर्डर साइज मैं सोच रहा हूं 200 यूनिट्स, वो लोग बोल रहे हैं 4,000, मतलब एक बार में मैं ऑर्डर करने वाला हूं 200, वो लोग बोल रहे हैं एक बार में आप 4,000 ऑर्डर करो, मैं आपको 4% डिस्काउंट देता हूं। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, कि एक तरफ तो ई ओ क्यू को प्यार करे हम। ऐसा कोई गाना था, तुमने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, बट मुद्दे पे आओ। अब यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से एक डिसाइड करना है, मैं हूं बड़ा ही कंफ्यूज, तुम मुझे प्लीज हेल्प करो और बताओ मैं क्या करूं। पैसे, पहला क्वेश्चन, ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, ये जो सेकंड पॉइंट है उसमें मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सो इन दिस पार्ट वी हैव टू ऑप्शन, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। ऑप्शन वन है ऑर्डर एज पर ईओ क्यू, दैट इज 200 यूनिट्स पर ऑर्डर। ऑप्शन टू है ऑर्डर एज पर सप्लायर, दैट इज 4,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। एंड गेट 4% डिस्काउंट। बोलो कौन सा चूज करोगे। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इन अबाउ पार्ट वी विल एनालाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द ऑप्शंस एंड डिसाइड बेस्ड ऑन ऑप्शन विच गिव्स अस लोएस्ट कॉस्ट।
है। चलो करो कैलकुलेट फटाफट, लोएस्ट कॉस्ट किसमें आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा अपने को अभी। चलो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इन बोथ केसेस। ईओक्यू सप्लायर, ईओक्यू में 200 यूनिट्स एक बार में, यहां पे 4000 यूनिट्स। फटाफट स्टार्ट करेंगे अपन लोग। देखो अब यहां पे इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस परचेज कॉस्ट बिकम इंपॉर्टेंट। पूछो क्यों परचेज कॉस्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, पूछो क्यों? क्योंकि दोनों का परचेज कॉस्ट अलग-अलग है। इसका परचेज कॉस्ट जो ओरिजिनल है वही है, बट ऑप्शन टू में उसको 4% डिस्काउंट मिल रहा है परचेज कॉस्ट पे। समझे क्या? समझे क्या? इधर मैं लिख देता हूं, इन द गिवन सिनारियो या इन द केस टू, इन द गिवन सिनारियो वी विल कैलक्यूलेट परचेज कॉस्ट एज परचेज कॉस्ट ऑफ ऑप्शन टू विल बी लोअर ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल डिस्काउंट। समझे? भूलना नहीं इस चीज को, बता रहा हूं मैं। करेक्ट। चलो अब देखते हैं, अब वापस समरी के ऊपर जाओ, समरी के ऊपर जाओ। समरी क्या बोलता है? एनुअल डिमांड 8000 यूनिट्स, परचेज कॉस्ट 400। तो ईओक्यू में तो वही आएगा 800 × 400, सॉरी 8000 × 400, बट इधर आएगा 8000 × 400 − 4%। सो 400 बोलो कितना आता है? कैलकुलेटर हैज गिवन अप। ये तो मेरे को चलो पता है, 32 लाख आएगा। बट ये कितना आता है? थ्री 4 × 8000, 30,72,000 एज पर पब्लिक। मैं राइट? ओके, एड ऑर्डरिंग कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? ईओ क्यू का, क्योंकि वो बोल रहा है बार बार ऑर्डर करो, कितनी बार ऑर्डर करवा रहा है। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट किसका आएगा? सो भाई टोटल 8000 है, एक बार में 200 यूनिट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? देखो ओपनिंग में 200, 200 पर ऑर्डर, तो कितना आता है? 8000। एंड फोर हंड्रेड। समझ में आया? इधर तो दो ही बार ऑर्डर करना है, पर उसका कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक बार में इतने सारे यूनिट्स मंगवा रहे हो
तो उसको रखना पड़ेगा ना, उसका स्टोरेज कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस, बाकी सब कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो इधर देखो, इधर फॉर्मूला ओ क्यू डिवाइड बाई टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 200 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है भाई, कैलकुलेट करना अपने। इसका तो अपन लोग ने किया हुआ है 80, उसका करना पड़ेगा ना। ये तो 8,000 ही आने वाला था। इसका कैरिंग कॉस्ट ध्यान से करना, इट विल बी, सुनो, 4,000 डिवाइड बाय 2, ये तो ठीक है, इनटू डिस्काउंट है 400 के ऊपर 4% का, तो 384 हो जाता है। सो 384 इनटू कितना है, 20%। ध्यान रखना ये चीज। तो बोलो कितना आता है, इट विल बी 153,600। बोलो कितना आ रहा है, इसको हम नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं लास्ट में, 4% डिस्काउंट लेस नहीं कर सकते, मतलब किसकी बात कर रहा है तू प्रशस्त भाई मेरे, तेरा यहां पे भी तो डिस्काउंट आ रहा है, तेरा यहां पे भी डिस्काउंट आ रहा है, तू तो ऐसे कैसे बोल रहा है। चलो ये आ जाता है मेरा टोटल कॉस्ट, बोलो कितना आता है टोटल कॉस्ट, अरे टोटल कॉस्ट का तू क्या बोल रहा है, लास्ट में किधर से माइनस कर देगा तू, ऐसे कैसे किधर से अचानक से माइनस कर देगा भाई, दिखाना तो पड़ेगा ना। चलो 32 लाख प्लस 8,000 प्लस 8,000, 32 लाख 16,000, 30 लाख 72,000 प्लस 400 प्लस 153,600 एंड दिस वर्क्स। अच्छा लाइक 4,000 डिवाइड बाय 2 इनटू 80 माइनस 4%, कभी ये गलती मत करना। ओ सर जी, प्रशस्त सर जी, फॉर्मूला के ऊपर आइए आप, फॉर्मूला के ऊपर आइए। किधर गया, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देख, उधर देख, उधर तुझे लिखा हुआ दिखेगा कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज परचेज कॉस्ट इनटू जो भी तेरा कैरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट का परसेंटेज है। तो तेरे लिए तो परचेज कॉस्ट 384 है ना, तो भाई तेरे लिए तो परचेज कॉस्ट 400 माइनस 4% 384 है ना, तो उसके ऊपर ये 20% आएगा मेरे भाई। फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख, उससे समझेगा तेरे को। मैंने कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कहाँ पे लिखवाया, जहां भी लिखवाया वहां पे ओपन करो और क्या। मुझे वरना पूरा ढूंढना पड़ेगा। ये रहा परचेस कॉस्ट इनटू इंटरेस्ट स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज, तो तेरा परचेस कॉस्ट तो 384 है ना,
उसके ऊपर ये परसेंटेज आएगा राजा। नहीं तू मुझे बोल रहे मैं व्हाट्सएप करता हूं आपको जो मैंने किया। अरे भाई तूने जो किया वो रॉन्ग है, क्योंकि तेरा लॉजिक ही रॉन्ग है। चलो ये वाला लास्ट वाला कितना आ रहा है, 32,26,000। सो इन शॉर्ट ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, सो अपने को डिस्काउंट की जरूरत लगेगी। और भी मतलब 4% का डिस्काउंट देने के बाद भी अपना 32,26,000 ज्यादा आ रहा है। सो कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन आ रहा है आपका? क्वांटिटी डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ टोटल कॉस्ट बाय ₹10,000। कैसे? 32,26 माइनस 32,16। और तेरे लिए प्रशस्त प्रशस्त खास तेरे लिए नोट लिखवा रहा हूं। इन केस ऑफ सप्लायर इवैल्यूएशन द कैरिंग कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन परचेज प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन परचेज प्राइस विल चेंज बेस्ड ऑन डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय सप्लायर। ठीक है, सो 400 माइनस 4% 384। ए समझू, सो अगर अगर ये डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता ना तो परचेस कॉस्ट कोई काम का नहीं, तो परचेस कॉस्ट सेम ही आता। बट बिकॉज डिस्काउंट मिला है परचेज कॉस्ट हैज चेंज्ड। और ठीक है, सो याद रखना, इफ डिस्काउंट इन परचेज कॉस्ट इज गिवन ऑलवेज कैलक्युलेट द टोटल परचेज कॉस्ट टू नो द टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ हुआ ये सम कंप्लीट। व्हाट इज सम क्लास? चलो डन 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 गाइस, समझ में आया सब लोग को? एनी क्वेश्चंस एनीवन? अब रिवाइज करना। अब कल मैं क्या करूंगा पता है? जितने भी फॉर्मूला अपन लोग ने कर लिए ना, सारे आपको पहले मैं रिवाइज करवा दूंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बट आपको पढ़ के आना पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। चलो ना, ये वैसे भी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर ही कर रहा हूं, सो हाँ यू विल बी एबल टू मैनेज इट।
तुम लोग वहां से भी लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। होमवर्क बनता है, दे रहा हूं दे रहा हूं। यस क्वेश्चन 18 एंड 19 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। सिक्स ओके, 18, 19, 26 विल बी योर होमवर्क। अच्छा आज कौन से सम कराए मुझे बताओ, आज कौन से सम्स मैंने करवाए वो बताओ मुझे। एटीन 19, 26। सर नोट फिर से रखो ना, बाकी ये लिखना। अरे ये नो अभी अपलोड ही कर रहा हूं ना मेरे भाई, वहां से जितना कॉपी करने का। आज मैंने कौन से सम्स करवाए वो मुझे बताओ। आज अपन ने क्या क्या किया, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, और सम्स कौन से हुए अपने। ओके ठीक है, चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस। अब भी का बी अपलोड कर देता हूं सो दैट तुम लोग वहां से ले सकते हो, एंड प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करता हूं कि कल आप लोग ये तीन सम्स होमवर्क करके आएंगे विदाउट फेल। देखो होमवर्क नहीं करोगे ना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो ना। एंड ऑफ द डे द होमवर्क इज ओनली फॉर वन थिंग, कि आपका उस बहाने रिवीजन हो जाए, बाकी क्लास में तो मुझे करवाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड डेफिनेटली मैं करवा सकता हूं। बट होमवर्क करोगे तो ही खुद से प्रैक्टिस होगा, तो ही आप लोग को लगेगा कि यस यू आर इन द गेम। एंड ये होमवर्क करने में ना बहुत जोर आएगा, बहुत कंटाला आएगा, लगेगा छोड़ना यार, इससे अच्छा थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, इससे अच्छा थोड़ी देर और कुछ टाइम पास कर लेता हूँ या कुछ और सोच लेता हूँ, बट बस उधर ही गेम बदलता है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, यही जो पास होने वाले और ना पास होने वाले लोग है ना, इनमें यही फर्क होता है। वन हु इज गोइंग टू डू द होमवर्क, अदर हु इज नॉट गोइंग टू डू द होमवर्क, सिंपल है। जो डिसिप्लिन दिखाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं दिखाएगा 6 महीने बाद, डिसिप्लिन दिखाना तो पड़ेगा अगर ये कोर्स को क्लियर करना है, तो 6 महीने बाद के धक्का लग के लगाओ या ऑटोमेटिकली खुद के अंदर वो आग लगा के फिर लगवा दो। चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। सी यू ऑल, अस्ता ला विस्ता। होमवर्क करके प्लीज मुझे भेज देना, आई विल बी वेटिंग। एंड साथ में स्टूडेंट नोट्स भी बनाना चालू कर दो, अब काफी सारे फॉर्मूलाज एंड नोट्स एंड पॉइंट्स आना चालू हो गए हैं, बता दूं मैं। थैंक यू, टेक केयर, सी यू। और ये वाला जो होमवर्क दे आज मैं दे रहा हूं ना, एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन अबाउ, ये वाला जो है ना इसी के ऊपर बेस्ड है ये होमवर्क, तो ट्राई करो। एंड नहीं आया तो अच्छा है, इस बहाने पता तो चलेगा कि भाई कितना पानी में हो, तो वापस से मैं नेक्स्ट डे क्लास में कर सकता हूं, क्योंकि अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं देन इन दैट केस इट्स अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच यशु, चलो बाय बाय। या थैंक यू सुयश, बाय राधिका, स्वप्निल, यस ठीक है, चलो सी यू ऑल टुमारो विद सम न्यू सम्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड अ न्यू जोश। बैकलॉग मत बनने दो, साथ साथ में करते रहो, अदरवाइज नाउ और नेवर हो जाएगा। यस यस एक्चुअली वेरी ट्रू सुयश। चल बाय बाय, होमवर्क भी एंजॉय करूंगा, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप, बाय एवरीवन।